नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। चीन से तनाव के बाद पहली बार बोले पीएम मोदी, कहा जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु, गुजरात के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत के दौरान बैठक से पहले 2 मिनट का मौन रखकर प्रधानमंत्री उन शहीदों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने सोमवार की रात पूर्वी लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीन की सेनाओं के बीच हिंसक झड़प की झड़प में शहीद हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चीन के आदेश पर झड़प के दौरान भारतीय सैनिकों द्वारा किया गया सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। इन मुद्दों पर राष्ट्र को एक संक्षिप्त संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि यदि उकसाया गया तो भारत जवाब देने में सक्षम है। झारखंड मौसम के वैज्ञानिकों ने झारखंड को लेकर चेतावनी जारी की है। इनके अनुसार 20 जून तक झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश हो सकती है। इन दौरान कहीं कहीं वज्रपात की भी आशंका है। मौसम विभाग के अनुसार रांची, पलामू, बोकारो, गुमला, हजारीबाग, रामगढ़ एवं खूंटी जिलों के आज भारी बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार 19 और 20 जून को उत्तरी पश्चिमी जिलों में भारी बारिश के साथ वज्रपात की भी आशंका है। आपको बता दें कि झारखंड में करीब एक सप्ताह तक बारिश हो सकती है। निजी स्कूल फीस मामला हवा में लटक गया, मंत्री का आदेश। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने निजी स्कूल को ट्यूशन फीस नहीं लेने व बाद में ट्यूशन फीस लेने और किसी तरह का कोई अन्य फीस नहीं लेने का आदेश दिया था, लेकिन एक हफ्ते के बाद भी आदेश का पालन नहीं हो पाया है। यह आदेश हवा से ही लटक कर रह गया। आपको बता दें कि सरकारी आदेश तभी मान्य होता है जब विभागीय सचिव का आदेश आता है। ऐसे में लगता है कि विभागीय सचिव मंत्री का आदेश धरातल पर नहीं उतारना चाहते हैं। यही कारण है कि निजी अभिभावक से पूरी फीस ले रहे हैं। झारखंड में 57 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो कोडरमा 24, हजारीबाग 19, पूर्वी सिंहभूम 6, लोहरदगा 3, रामगढ़ 2, रांची 2, गुमला 1 हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 1839 से बढ़कर 1896 हो गई, जबकि 1151 लोग स्वस्थ हुए, 10 की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 367,264 है, जबकि 194,438 लोग स्वस्थ हुए और 12,262 की मृत्यु हो गई। हजारीबाग में संक्रमण संदिग्ध बैंक मैनेजर की मौत। हजारीबाग में एक संक्रमण संदिग्ध की सदर अस्पताल में मौत हो गई, जो मृत बैंक मैनेजर था। सोमवार 15 जून को उसका सैंपल लिया गया था। बुधवार 17 जून को दिन में 11 बजे सदर अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। मृतक की जांच रिपोर्ट आने के बाद ही शव को परिजनों को सौंपा जाएगा। उधर हजारीबाग से एक महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना हजारीबाग के दारू थाना क्षेत्र के एक महिला के साथ दुष्कर्म के साथ गला घोटकर हत्या कर दी गई। 8वीं के 7500 छात्रों का रिजल्ट रुका। स्कूलों ने 8वीं के 7500 विद्यार्थियों का आंतरिक मूल्यांकन का अंक जैक को नहीं भेजा था, इस कारण उनका रिजल्ट जारी नहीं हो पाया है और 9वीं में प्रमोट नहीं हो सके। मालूम हो कि 8वीं ने इस वर्ष विद्यालय स्तर पर आंतरिक मूल्यांकन का प्रावधान किया था। जैक ने स्कूलों को ऑनलाइन नंबर भेजने को कहा था। विद्यालयों ने इसकी जानकारी जैक को दी, साथ ही आंतरिक मूल्यांकन का अंक अपलोड करने का एक अवसर मांगा है, जो जैक भी इस दिशा में विचार कर रहा है। जैक की ओर से संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजा गया है और प्रधानाध्यापक से स्पष्टीकरण पूछा जाएगा कि उन्होंने क्यों नहीं समय पर अंक अपलोड किया। कृषि योजनाओं की स्वीकृति में देरी न हो, CS। खरीफ मौसम में किसान को हर संभव सुविधा देने के लिए राज्य सरकार गंभीर है। कृषि विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा में कृषि विभाग के कार्यों की समीक्षा की गई। विकास आयुक्त ने खरीफ मौसम में किसानों को मिलने वाली योजनाओं की जानकारी ली और समय पर किसानों तक बीज पहुंचाने का निर्देश दिया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को बीज वितरण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। श्री सिंह ने कहा कि राज्य सरकार की योजनाओं का स्वीकृतादेश जल्द निकालने के साथ किसानों के ऋण माफी के प्रस्ताव पर जल्द काम होना चाहिए। कार्डधारियों को दिसंबर तक मुफ्त अनाज मिल सकेगा। लॉकडाउन में गरीब की बेरोजगारी और आर्थिक तंगी को देखते हुए राज्य सरकार अब दिसंबर तक कार्डधारियों को निःशुल्क अनाज देगी। सरकार इस संबंध में केंद्र को प्रस्ताव भेजने की तैयारी में है। विभाग की ओर से जुलाई से लेकर दिसंबर तक 6 माह का राशन देने का प्रावधान बनाया जा रहा है। केंद्र से अनुमति मिलते ही अनाज का उठाव शुरू हो जाएगा। आपको बता दें कि राज्य के 58 लाख राशन कार्डधारियों के प्रत्येक सदस्य को 6 माह तक 5 केजी चावल दिया जा सकेगा। चीन के खिलाफ झारखंड में प्रदर्शन।
लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चालबाजी करने वाले चीन के खिलाफ झारखंड में बुधवार को प्रदर्शन किया गया। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के पुतला जलाया गया। राजधानी रांची के कांटा टोली चौक पर चीन के राष्ट्रपति का पुतला दहन करने वालों ने सरकार से मांग की कि चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। बीआरपी सीआरपी पर होगी कार्रवाई। राज्य में स्कूली बच्चों को सोमवार को डिजिटल कंटेंट उपलब्ध नहीं कराने वाले 2489 प्रखंड साधन सेवी और सीआरपी पर कार्रवाई की जाएगी। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी से 2 दिन में इसकी रिपोर्ट मांगी है। लॉकडाउन उल्लंघन करने वाले सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो कोर्ट में किया सरेंडर। राज्यसभा चुनाव के लिए होने वाले मतदान से पहले गिरफ्तारी से बचने के लिए सिंदरी के विधायक इंद्रजीत महतो ने बुधवार को धनबाद के कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका स्वीकृत कर ली है। बता दें कि विधायक पर 21 मई को बाराबंका थाना क्षेत्र में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने का आरोप लगा था। उधर धनबाद के पुटकी में प्रेमी द्वारा शादी का भरोसा देकर शारीरिक संबंध बनाए जाने पर भी उसे छोड़कर दूसरी युवती से शादी कर लेने से नाराज होकर प्रेमिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। रांची बीबी में यूजी 6th सेमेस्टर की परीक्षा होगी ऑनलाइन। रांची विश्वविद्यालय की ओर से यूजी 6th सेमेस्टर की परीक्षा ऑनलाइन ली जाएगी। इसके लिए बीबी ने परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए बीबी की ओर से पहले ही कॉलेजों में नोडल पदाधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि ऑनलाइन परीक्षा में 2 तरह के सवाल पूछे जाएंगे। वहीं परीक्षा समाप्त होने के 1 से 1.5 घंटे के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। उत्पाद विभाग ने मुख्यमंत्री राहत कोष में दिए 9 लाख रुपये। उत्पाद विभाग के सचिव विनय कुमार चौबे ने हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें 9,10,000 रुपये का चेक सौंपा। मुख्यमंत्री राहत कोष में उत्पाद विभाग के कर्मचारियों ने 3 दिन का अपना वेतन दिया है। मुख्यमंत्री ने इसके लिए विभाग के कर्मचारियों की सराहना की है। राज्यसभा चुनाव जीत की रणनीति बनाने बैठेंगे सत्ता पक्ष व विपक्ष। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए 19 जून को चुनाव होना है। इसे लेकर सियासत गर्म हो गई है। जीत की रणनीति बनाने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों बैठक करेंगे। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष दोनों सीटों पर जीत की रणनीति को लेकर बैठक, तो वहीं भाजपा विधायक दल की बैठक भी आयोजन की गई है। आपको बता दें कि 2 सीटों के लिए 3 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। झारखंड में 10वीं मौत, रांची निवासी। झारखंड में बुधवार 17 जून को संक्रमण से एक और मौत हो गई। रांची के पिठौलिया इलाके के 25 साल की महिला की जान संक्रमण से चली गई। वह रांची के रिम्स में भर्ती थी। महिला के पति भी पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्हें भी बाद में भर्ती कराया गया है। बुधवार दोपहर बाद महिला की हालत बिगड़ गई और उसकी मौत हो गई। इसके साथ ही राज्य में अब तक 10 मौत हो चुकी है। 11वीं का रिजल्ट आंतरिक मूल्यांकन नहीं होने से विलम्ब हुई। झारखंड में +2 विद्यालयों और कॉलेजों के कारण जैक बोर्ड 11वीं का रिजल्ट लटका हुआ है। +2 विद्यालयों और कॉलेजों ने 11वीं का आंतरिक मूल्यांकन नहीं किया है। इस वजह से करीब 5 लाख परीक्षार्थियों का रिजल्ट लटका हुआ है। जैक बोर्ड ने स्कूलों और विद्यालयों को पत्र लिखकर कहा है कि उनकी वजह से रिजल्ट लटका हुआ है। समय पर रिजल्ट नहीं होने या बिना आंतरिक मूल्यांकन के रिजल्ट जारी होने पर प्राचार्यों पर कार्रवाई भी की जाएगी। जैक ने अंक हर हाल में 22 जून तक जमा करने को कहा है, जिससे जून लास्ट तक रिजल्ट घोषित हो सके। झारखंड पुलिस के वरीय प्रवक्ता बने मुरारी लाल। झारखंड पुलिस ने ADG अभियान मुरारी लाल मीना को राज्य का वरीय पुलिस प्रवक्ता बनाया है। वहीं IG प्रोविजन सुमन गुप्ता को भी पुलिस प्रवक्ता बनाया गया है। इस संबंध में DGP MB राव ने आदेश जारी किया है। आपको बता दें कि इससे पहले IG अभियान साकेत कुमार सिंह पुलिस प्रवक्ता थे। किसानों को किराए पर मिलेंगे ट्रैक्टर व पावर टिलर। रामगढ़ जिले में किसानों को किराए पर ट्रैक्टर और पावर टिलर जैसे उपकरण उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र मोंडू द्वारा कृषि यांत्रिकरण योजना के अंतर्गत खेती कार्यों में प्रयुक्त होने वाले कृषि यंत्र किराए पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। सिमडेगा में BDO ने की मनरेगा की समीक्षा बैठक।
सिमडेगा के जलडेगा प्रखंड कार्यालय सभागार में वीडियो विजय राजेश बरला की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास तथा 14वें वित्त आयोजन से संबंधित योजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में मनरेगा में प्रवासी मजदूरों के लिए जॉब कार्ड बनाने तथा काम दिलाने का निर्देश दिया गया। कपड़े और जूते की दुकान नहीं खुलेगी तो होगा आंदोलन। लॉकडाउन के दौरान कपड़े और जूते चप्पल की दुकानों की पाबंदी अब सरकार के गले की हड्डी बनने वाली है। बुधवार को रामगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। चैम्बर अध्यक्ष विमल ने सभी पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आंदोलन करने की धमकी दे डाली है। पलामू में टीपीसी के दो नक्सली गिरफ्तार। पलामू जिला के लेस्लीगंज थाना क्षेत्र से बुधवार को टीपीसी के सब जोनल कमांडर सुदेश जी उर्फ शशिकांत जी के दो सहयोगियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार बीडी ओट व्यवसायियों से लेवी लेने के लिए नक्सली द्वारा घटनाओं को अंजाम देने का प्रयास किया जा रहा है। उधर हरिहरगंज थाना क्षेत्र के औरंगाबाद निवासी एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। लेह लद्दाख जाने वाले श्रमिक अभी नहीं जाएंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बताया कि बड़े पैमाने पर राज्य के नौजवान सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा सड़क संगठन बीआरओ की ओर से कराए जा रहे निर्माण कार्य में योगदान देने के लिए जा रहे थे। उन्होंने बताया कि पिछले दिन साहेबगंज जिला के कुंदन ओझा समेत अन्य जवान शहीद हुए थे। ऐसी स्थिति में सीमा पर उत्पन्न तनाव की स्थिति देखते हुए थोड़ी देर के लिए रोका गया है। झारखंड में 13 डीएसपी का तबादला। झारखंड में पुलिस महकमे में फिर से बड़ा फेरबदल किया गया है। सरकार के गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से इन तबादलों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। हुसैनाबाद पलामू के डीएसपी विजय कुमार को पुलिस उपाधीक्षक दुमका बनाया गया है। देवघर में गहन जन स्वास्थ्य सर्वे को लेकर की गई बैठक। गहन जन स्वास्थ्य सर्वे सप्ताह के लिए अनुमंडल अस्पताल मधुपुर में चिकित्सक पदाधिकारी एवं कर्मचारियों के बीच बैठक हुई। कार्यालय में सफाई संचालन के लिए आयुष चिकित्सक CDPO CHO ANM तथा सहायक साथी के साथ उपाधीक्षक में सुनील कुमार मरांडी की अध्यक्षता में बैठक की गई। खजाना भरने के लिए पेट्रोल डीजल के साथ शराब होगी महंगी। हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने लॉकडाउन की वजह से आर्थिक वृद्धि की थमी हुई रफ्तार को गति देने के लिए पेट्रोल व डीजल समेत कई चीज़ों पर अतिरिक्त टैक्स व सेंस लगा दिया है। अतिरिक्त टैक्स लगाने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत आसमान पर पहुंच गई है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और आप हमें कॉमेंट में अपना राय अवश्य दें। थैंक यू।